सुबह के 4:30 बज रहे हैं और भिखारी कहेंगे पंचर हो गई हमारी गाड़ी, हम फंस चुके हैं ये पेट्रोल पंप पंचर बन गया है ना हमारा हाथ कुछ इतना। तेरा हाथ दिखा दिखा, उठ उठ ब्रो, खड़े हो ना। हाँ दिखा हाथ, वी फक्ड अप, ऐसा लिटरली वी फक्ड अप। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Parshavla and आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज क्या ब्लॉग की शुरुआत, मैं थोड़ा अपना टाइम टेबल चेंज कर रहा था तो मैं सुबह जल्दी उठा, मैं करीब सुबह 6 बजे उठा, वॉक पे गया, ब्रश किया, जो भी है नॉर्मल चीज़ है वो किया एंड मैं भी घर आया हूँ, भूख लग रही है, देखते मैंने कुछ शायद तक ऑर्डर किया है एंड आई नो वॉक पे गया है तो कुछ हेल्दी ऑर्डर किया है, तो अभी ऑर्डर किया है आता है, तब तक मैं नहा के आता हूँ शायद तब, या तब तक मैं कुछ पीता हूँ, कॉफ़ी वॉफी पीता हूँ। तो आज का दिन तो पता नहीं आज क्या होने वाला है, आज रैंडम डे है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। बहुत दिनों बाद मन किया तो कैमरा उठा लिया, देखते हैं आगे जो होता है वो शूट करता हूँ, बाय, आगे देखते हैं क्या होता है। सो जैसे कि मैंने कहा मैं अभी खाना ऑर्डर किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बियर्ड ट्रिम कर देता हूँ, जो ये ऐसा पैच है, पैच की बियर्ड मेरे को रखना पसंद नहीं है तो सोच रहा हूँ ट्रिम करूँ। तो ये है मेरा ट्रिमर, मेरे पास कोई क्लिप तो नहीं है तो शायद 0 नंबर में चलाऊँ, पैच बहुत है इधर, तो चलो जल्दी से ट्रिम करते हैं उसके बाद मिलते हैं, ट्रिम करके मिलते हैं। 1 2 3 सो ट्रिम हो चुकी है, ट्रिम करने के बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मैंने जो मंगाया था वो तब तक आ चुका है तो मैं बाहर गेट के पास लेने जा रहा हूँ, तो चलिए बाहर चलते हैं। एक्चुअली ट्रिम करने का एक रीज़न ये भी था कि जब मास्क पहनता हूँ ना तो मेरे को अनकम्फर्टेबल फील होता है, इसके कारण इसलिए मैंने ट्रिम की, एक रीज़न ये था। चलो मेरा समय आ गया, ऑर्डर लेते हैं अंदर के ऊपर जाते हैं। सो हमारा ऑर्डर आ गया है, जल्दी घर जाते हैं, खाली करते हैं, हाथ धोते हैं, दिन के। सो मेरा ऑर्डर आ गया है, तो ये है डोसा, ये है डोसा, ये है वाइट चटनी, ये सांभर, ये है रेड चटनी और ये है स्पून, तो बस ये खाता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ। सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट खत्म हुआ है एंड मैं एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। तो मैं रात को करीब 3:30-4 बजे मैं घर से निकला, कुछ काम से निकला था, मैं हाईवे में था, हाईवे में ड्राइव कर रहा था, मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में ही थी एंड अचानक से एक ऐसा ब्लास्ट, मेरा जो टायर है वो ब्लास्ट हो गया, आगे वाला अपना आगे वाला टायर ब्लास्ट हो गया और उसके बाद मैं तुरंत रोक नहीं सकता था मैं जहाँ पे था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था, मैं हाईवे के बीच में था तो इसलिए मैंने वहाँ पे रुकना सेफ नहीं लगा, तो मैं बाहर थोड़ा और आगे गया, थोड़ा सा आगे गया ना एक पेट्रोल पंप पे रोक दिया एंड उस पेट्रोल पंप पे मैं देखा कि क्या हो गया, तो मैंने स्टेपनी चेंज की एंड जो कुछ भी हुआ मैंने उस समय एक वीडियो क्लिप वीडियो शूट की थी वो वीडियो देखी। सुबह के तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह के 4:30 बजे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे कहीं पेट्रोल पंप, किसी पेट्रोल पंप के पास पंचर हो गई है, बस पंचर बनाना है, वो मेरे को पता नहीं, हम यूट्यूब से देखते देखते पंचर बनाना सीख रहे हैं, तो चलिए पंचर बनाते हैं, आगे मिलते हैं। तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता, यूट्यूब से देखते देखते सीखे। रात को 4:30 बजे रात को 4:30 बजे इसे कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन देख रहे हो, डिटर्मिनेशन। यस यस ब्रो। ओ इंग्लिश, इंग्लिश, सो इंग्लिश, आई डू इंग्लिश, आई वर्क इंग्लिश एंड आई रन इंग्लिश। अच्छा यस ब्रो। साले ये पेट्रोल पंप है ना, जो भी नाम है इसका बिल्कुल बहुत बेकार लोग हैं, हेल्पफुल नेचर वाले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हमारे। और जो ये ट्रक वाला है ना, बहुत ही हरामी इंसान, बहुत हरामी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड हम यहाँ पंचर बना रहे हैं। हुआ फिट हुई? हाँ भाई नहीं हो रही। रुक रुक मैं ट्राई कर रहा हूँ पकड़ के। हाँ बहुत हार्ड काम है, अब क्या ही बताऊँ मैं। हो रहे सुनो, स्पर्श भी टाइम पास मत कर, यही टाइम बहुत कम,
इधर पहुंचना पड़ेगा 15 मिनट में। हो रहे 5 मिनट्स लेटर। तो फाइनली वी डिड इट, हमारे पंचर बन गए हैं, हमारा हाथ कुछ इतना। तेरा हाथ दिखा दिखा, उठ उठ ब्रो, खड़े हो ना। हाँ दिखा हाथ, वी फक्ड अप, ऐसा लिटरली वी फक्ड अप। फाइनली अभी हो रहे हैं 4:41 और कुछ हमारा अभी ठीक चल रही है ना। अभी कंप्लीट हुआ है। तो भाई कैसा रहा आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अभी यूट्यूब देखते देखते सीखना है? मैं बहुत ही प्यारी तरीके से एक्सप्रेस करना चाह रहा था पर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। अच्छा हाथ कहाँ दिखा दे एक बार। हाथ 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 में सैनिटाइज कर चुका हूँ, कर चुका पर फिर भी ठीक है। मेरे तो कुछ अभी तक ऐसा ही है, वहाँ पे जाके हाथ धोऊंगा मैं। सो ये थी मेरी कहानी जो मेरे साथ हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड इस बार व्लॉग जल्दी आएगा। बाय।